स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास सिक्स की जो बुक है हमारी इंग्लिश, उसका चैप्टर सेकेंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अ हाउस अ होम। ठीक है बच्चों, देखिए हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है, ये एक पोयम है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, आप सभी ध्यान से देखिए इस वीडियो को। व्हाट इज़ अ हाउस? हाउस क्या होता है? इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज हार्ड। देखिए बच्चों, ये ब्रिक्स मतलब ईंटों से और पत्थरों से बना होता है, और वुड से, वुड मीन्स लकड़ियों से जो कि हार्ड होती है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, कुछ विंडो के ग्लास के विंडो होते हैं। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स, और बच्चों इसमें चिमनीज होती है, जो फ्लोर होता है वो टाइल्स का होता है। एंड स्टूको एंड रूफ रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बच्चों इसके बहुत सारे गेट होते हैं, डोर्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? हाउस। होम क्या होता है? व्हाट इज़ अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। ये एक बच्चों लविंग एंड फैमिली होती है, जो कि एक दूसरे के लिए करती है। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर्स एंड मदर्स, देखिए बच्चों उसमें भाई बहन फादर मदर ये सब होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, और बच्चों वो सब अनसेल्फिश होते हैं, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता है। एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और बच्चों एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करना, एक दूसरे के प्रति अपना प्यार दिखाना, ठीक है, एक दूसरे की केयर करना, ये सब क्या होता है? एक होम होता है, इसे हम होम बोलते हैं। तो बच्चों आप सभी को समझ में आया कि हाउस में और होम में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों देखिए, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, और जो हमारी पोएम है आ हाउस आ होम, इसे समझिए, ठीक है। और आप बच्चों सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।